आज़ादी की लड़ाई के लिए माननीय लोकमान्य तिलक जी के द्वारा शुरू की गई है। लोगों को सद्भावना और एकता की प्रतीक गणेश उत्सव की परंपरा जो चालू हुई थी है, राजनांदगांव संस्कारधानी में भी बड़े गौरवपूर्ण और गरिमामय ढंग से मनाया जाता है। इस वर्ष भी इस आयोजन में नगर में सभी समितियों द्वारा लगभग 35 से 40 झांकियाँ निकाली जाएंगी। यहाँ की परंपरा है हॉकी और झांकी दोनों के नाम से ही राजनांदगांव की एक पहचान पूरे देश में बनी हुई है। इस परंपरा को यहाँ के श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक और दानदाता पूर्ण सहयोग करके पूर्ण कर रहे हैं और एक अनुशासनमय वातावरण में यह आयोजन पूरे 11 दिनों तक चलता है। इसके लिए सभी समितियाँ दिन रात मेहनत करती है और इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। अलग अलग कथाओं पौराणिक कथाओं एवं लोक कथाओं पर आधारित यहाँ झांकियाँ निर्माण की जाती है और जिसमें देशभक्ति से लेकर छत्तीसगढ़ के पवन त्यौहार सुबह हरेली एवं अन्य गतिविधियों पर भी नज़र रखते हुए झांकियों का निर्माण किया जाता है।